सलमान खान से मिलो? बहुत बार, आई थिंक वो चिल्लर पार्टी से रिश्ता शुरू हुआ था और आज तक उनके साथ रिश्ता इतना अच्छा है क्योंकि उनके साथ चिल्लर पार्टी का उनका प्रमोशन जो उन्होंने सपोर्ट किया था बीइंग ह्यूमन की पहली फिल्म थी चिल्लर पार्टी, उसके बाद बजरंगी भाईजान के बाद तो जब मुन्नी हुआ तो ऑफकोर्स देन उसके बाद ट्यूबलाइट हुआ, उसके बाद भाई की जितनी फिल्में टिल नाउ टिल लास्ट फिल्म ऑल्सो दैट आई डिड ऑल दिस फिल्म्स लाइक आई थिंक द पर्सन यू कैन ऑलवेज पिक अप योर फोन 3 बजे भी रात को उठ के फोन करते थे तो वी विल आंसर योर फोन। अगर आपको बिरयानी खानी है तो बिरयानी खानी है, उनसे मिलना है तो वो एक ही आदमी है जो मतलब हमेशा सबके लिए अवेलेबल है, खड़े हैं सपोर्ट करने के लिए। डू यू फील कि वो मिसअंडरस्टूड है थोड़ा पब्लिकली? ऑनेस्ट है ना, और ऑनेस्टी को लोग मिसअंडरस्टैंड भी तो करते हैं ना। प्रॉब्लम यही है कि जब ज़्यादा ऑनेस्ट होते हो आप ऑनेस्ट से कुछ बोल देते हो पीपल बिहेव वेरी डिफरेंटली। ओके, वो एज अ पर्सन इन पर्सन कैसे, एज अ ब्रो कैसे, मतलब जब आप उनके साथ चिल कर रहे हो उनकी ऑरा कैसी है? उनका उनके बहुत सारे मूड होते हैं। ओके, तो आपको ना उनको मूड चेक करना पड़ता है कि भाई का मूड कैसा है। हर आर्टिस्ट की तरह? हर आर्टिस्ट की तरह, बिकॉज क्या है हम ये सब आर्टिस्ट है ना, ये सबके मूड का पता नहीं होता वो किस स्पेस में है। और ये आपको मुझे लगता है किसी भी दोस्त के साथ है, एक्टर के साथ है, डायरेक्टर के साथ अगर आपके रिश्ते हैं तो आपको उनके मूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लाइक व्हेन आई एंटर इन योर एरिया यू गेव मी अ वेरी गुड एडवाइस, सो आई वाज कि ये इसका स्पेस है आई शुड गिव द फुल रिस्पेक्ट। तो सेम वे व्हेन आई सी मनोज वाजपेयी फोकसिंग ऑन सम कैरेक्टर आई डोंट गो एंड डिस्टर्ब हिम, व्हेन आई सी भाई का मूड इज इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस ही थिंकिंग समथिंग इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो एंड टॉक टू हिम। एज एन आर्टिस्ट इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी अदर पीपल्स मूड, बिकॉज हम लोग रोज डिफरेंट डिफरेंट मूड के साथ उठते हैं। हम ये बॉम्बे शहर ऐसा है, आप दिन में 10 बार दुखी होते हो 10 बार खुश होते हो, ये एक ही शहर है जहाँ पर आप रोज मोटिवेट होते हो रोज बोलते हो शिट यार कुछ हो नहीं रहा।